वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल माय डियर फ्रेंड्स। 7th ऑफ अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे और डेली करंट अफेयर्स का सेशन मैं आप तक जो पहुंचा रहा हूं, ये वो इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है जो आपके 2023 के एग्जाम में दिखेगा। और अगर आप रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में, किसी में भी अपियर हो रहे हैं तो इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिस्कशन होगा ये। और आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले आप केस एजुकेशन को फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। पहला सवाल देखो क्या है कि कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है, 31st सदस्य कौन बन गया है नाटो का, और ये सदस्य आपका फिनलैंड बन गया है। क्या आपको पता है कि यूरोपीय देश फिनलैंड एक्चुअली रूस के साथ लगभग ना 1300 किलोमीटर का सीमा जो है वो साझा करता है, और इसीलिए अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध को देखते हुए फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ। ठीक है, वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है दो चीजों को, एक है बनारसी पान और दूसरा है बनारसी लंगड़ा आम, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है, मतलब किसे यह पदभार मिला है? यह मिला है सुधा शिव कुमार को। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रयोजन परीक्षण किया है, और ये कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस का स्थापना 2018 में किया गया था और भारत का यह प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी। क्या आपको पता है कि डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इनका नाम क्या है? संजीता चानू। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जो शीर्ष स्थान है वो कर्नाटक ने हासिल किया है, हालांकि इस रैंकिंग में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर, और वहीं इस रैंकिंग में गुजरात चौथे और आंध्र प्रदेश जो है वो 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन आपसे एक ये भी बन सकता है कि टोटल 18 राज्य का सिलेक्शन इसमें हुआ और सबसे 18th पोजीशन किस राज्य को मिला है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। G20 डायलॉग फॉर्म के तहत B20 कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, सॉरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, और ये कहां? कोहिमा में किया जा रहा है, नागालैंड के कैपिटल कोहिमा में किया जा रहा है। किस दिन को संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्जिया विधानसभा ने हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह इस तरह का विधायी उपाय करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है? और आपको पता है कि 2nd ऑफ अप्रैल पे ये चीज हुआ था, हालांकि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना गया और ये कहा गया कि कब करीबन 100 से अधिक देशों में 1.2 बिलियन से अधिक इसके अनुयायी हैं। किसने हाल ही में मियामी ओपन 2023 जीतने के लिए इटली के जन नीक सीनियर को हराया, और यह कौन है? डेनियल मेदवेद। इन्होंने किसे हराया है? जननिक सीनियर को, जो कि इटली के हैं। भारत और नीदरलैंड ने हाल ही में नई दिल्ली में संयुक्त कार्य समूह की अपनी पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। किस देश ने 14 जुलाई 2023 को, और ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले कुछ टाइम तक ये दिखेगा कि 14 जुलाई 2023 को वार्षिक बैस्टल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, और वह देश कौन है?
ये देश आपका कौन है? फ्रांस है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2009 में इसमें आमंत्रित किया गया था। यही इंपॉर्टेंट कलेक्शन आज 7 अप्रैल के लिए मैंने रखा था आप सबके लिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा केएस एजुकेशनल, आपको नोटिफिकेशन बेल साथ में दबा लेना और लाइक कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में।